Hello viewers, how are you? Hoping that you will be fine and fit wherever you will be. It is Devendra Kumar from Bharadwaj Institute Kurukshetra. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार. आज हम सभी ये सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे आसान बनाया जाए. इंग्लिश हमारे राज्य और देश के लिए एक ऐसी भाषा है जिसको सीखना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश को आसान तरीके से कैसे समझा जा सकता है. रट्टा लगाने से इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश समझने से आती है. हम आपको सिखाएंगे, रटाएंगे नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंग्लिश को कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है. सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं. लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ सोर्स और मीडिया बाय विच वी कैन एक्सचेंज आवर थॉट्स टू अदर्स बाय मीन्स ऑफ राइटिंग स्पीकिंग एंड सिग्नल्स. एग्जाम्पल हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, जर्मन, फ्रेंच, उर्दू, एट्सेट्रा. लैंग्वेज इज ए सोर्स और मीडिया बाय विच वी कैन एक्सचेंज अवर थॉट्स टू अदर्स. हाउ? टू अदर्स बाय मीन्स ऑफ राइटिंग स्पीकिंग एंड सिग्नल्स. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. कैसे? हाउ? बाय मीन्स ऑफ राइटिंग, लिखकर, बाय मीन्स ऑफ स्पीकिंग, बोलकर, बाय मीन्स ऑफ सिग्नल और संकेतों के द्वारा. अब एग्जांपल में आपकी क्या है? हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, जर्मन, फ्रेंच और उर्दू. यदि आप यहाँ पे हरियाणवी, डोगरी और मैथिली बोलेंगे तो वो भाषाएँ नहीं हैं, वो डायलैक्ट हैं, देसी बोलियाँ हैं. ऐसी भाषा जिसका क्या है, बोली भी जा सके और जो लिखी भी जा सके, जिसकी अपनी कोई लिपि हो, उसको हम भाषा कहते हैं. अब यहाँ पे सभी लिखी हुई एक क्या है, अथराइज्ड लैंग्वेज हैं, बोनाफाइड लैंग्वेज हैं. तो काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, नंबर वन रिटन लैंग्वेज, नंबर टू ओरल लैंग्वेज, नंबर थ्री सिग्नल लैंग्वेज, नंबर फोर बॉडी लैंग्वेज. देखिए भाषा से हमें क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है. क्या करना होता है? कम्युनिकेट. और भाषा कितने प्रकार की हो सकती है? ऑल ओवर वर्ल्ड भाषा क्या है, लगभग चार प्रकार की है. फर्स्ट वन इज़ रिटन लैंग्वेज, सेकंड वन इज़ ओरल लैंग्वेज, थर्ड वन इज़ सिग्नल लैंग्वेज, फोर्थ वन इज़ बॉडी लैंग्वेज. तो देखिए क्या है, रिटन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो लिखी भी जा सके और बोली भी जा सके, उसको हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है, लिखित भाषा कह सकते हैं हिंदी में आप इसको. ओरल लैंग्वेज
इज़ दैट लैंग्वेज विच कैन बी स्पोकन ओनली, ऐसी भाषा जिसको केवल बोला जा सकता है लिखा नहीं जा सकता, उसको हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं। और थर्ड है सिग्नल लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, जब हमारे दोनों मोड बोलना और लिखना दोनों ही फेल हो जाएं, तो हम तीसरे मोड से, तीसरे तरीके से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सिग्नल लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं हम, सांकेतिक भाषा, सिग्नल लैंग्वेज। और फोर्थ है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज और सिग्नल लैंग्वेज में थोड़ा फ़र्क है। सिग्नल में हम संकेतों के द्वारा हम किसी को क्या है, इशारे करके क्या है, समझाते हैं। और फोर्थ लैंग्वेज है बॉडी लैंग्वेज, जब आपके आव भाव से दूसरे व्यक्ति क्या है, पता लगा लें कि भाई इसका मूड कैसा है, तो उसको हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। आपने कई बार क्या है क्रिकेट के मैदान में सुना होगा कमेंटेटर को बोलते हुए, बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी है वैसी है, तो इसके मायने क्या होते हैं, एक्सप्रेशन इंटरनली कैसा है व्यक्ति, अंदर से उसके आव भाव क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज। तो आपने देखा कोई भी भाषा है ऑल ओवर वर्ल्ड ये ही मोड है लैंग्वेज का। तो अब हम आगे देखते हैं, हमने जाना व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज ए सोर्स और मीडिया बाय विच वी कैन एक्सचेंज अवर थॉट्स टू अदर्स बाय मींस ऑफ राइटिंग, स्पीकिंग एंड सिग्नल्स। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, आपने देखा कि भाषा क्या है, मुख्य रूप से चार तरह की है। लैंग्वेज क्या है, चार तरह की है। नंबर वन रिटन लैंग्वेज, नंबर टू ओरल लैंग्वेज, नंबर थ्री सिग्नल लैंग्वेज और नंबर फोर बॉडी लैंग्वेज। तो आगे बढ़ते हैं हम, अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट इज ए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट को हम क्या कहेंगे हिंदी में, वर्णमाला। अल्फ़ाबेट इज ए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज। अब लेटर्स हमें पता नहीं लेटर किसको बोलते हैं, तो आइए जानते हैं लेटर होता क्या है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट साउंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। लेटर इज द स्मॉलेस्ट साउंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। वर्ण वह छोटे से छोटे टुकड़े हैं, छोटे से छोटी आवाज़ है, ध्वनि है, जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स हैं वो कैसे हैं, देखिए, ए टू जेड 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं। और वर्ल्ड की इंग्लिश एक ऐसी अनोखी भाषा है जिसमें समांतर रूप से पैरेलली दो तरह के क्या हैं, लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। तो हम यहाँ पे लेटर्स को क्या कर सकते हैं, सही ढंग से समझने के लिए उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेटर्स को हम दो ढंग से पढ़ सकते हैं, नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग,
ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग. नंबर वन कॉन्सोनेंट, नंबर टू वोवल्स. कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स, कॉन्सोनेंट को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन, और वोवल्स को स्वर बोलते हैं. नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस. कंस्ट्रक्शन रचना के हिसाब से आपके जो लेटर हैं दो ढंग से हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स. इंग्लिश एक ऐसी अनोखी भाषा है जिसके कंप्लीट सीरीज क्या होते हैं, कैपिटल में भी होते हैं और स्मॉल में भी. कैपिटल लेटर्स का मतलब क्या है? आपकी बड़ी ए बी सी डी. और स्मॉल लेटर्स का मतलब क्या है? आपके छोटे अल्फाबेट, छोटी ए बी सी डी. आपकी छोटी ए बी सी डी. तो आपने जाना लेटर क्या है. लेटर इज द स्मॉलेस्ट साउंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके आगे टुकड़े ना हो सके. देखिए हम इनको लेटर्स को दो ढंग से पढ़ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, कॉन्सोनेंट और क्या है, वावल्स. ठीक है, कॉन्सोनेंट में क्या है आपके, और वॉवल्स में क्या है आपके. देखिए ए ई आई ओ और यू. वॉवल आपके यहाँ पे कितने हैं? पांच. और कॉन्सोनेंट कितने हैं आपके? बाकी के सभी क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं. 21 आपके क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं. देखिए अब आपको होप है कि सभी आपको कॉन्सोनेंट और वावल की समझ में आ गई होगी, समझ आ गया होगा. कॉन्सोनेंट वावल को छोड़ के बाकी के सभी लेटर्स क्या हैं? 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं. और वावल क्या हैं? ए ई आई ओ यू. जैसे हिंदी में क्या हैं आपके? ए आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ. वो क्या करते हैं? मात्रा लगा के वर्ड बनाने के काम करते हैं. इसी तरह से साउंड देने का काम यहाँ पे क्या करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? वावल्स करते हैं. तो लेटर के बाद हम चलते हैं वर्ड पे. What is word? Word is a group of letters which makes a complete sense. For example, तो देखिए क्या है, God, good और goods, ये तीनों जो वर्ड हैं इनकी सेंस निकल रही है. जो वर्ड सेंस एक्सप्रेस करे तो उसको कंप्लीट वर्ड माना जाएगा. और यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हैं लेकिन इनकी कोई सेंस एक्सप्रेस नहीं हो रही है, इसलिए हमारे लिए वर्ड्स नहीं है. और वर्ड्स देखिए क्या है, यहाँ पे ये ज़रूरी है वर्ड्स को कैसे समझा जाए. सारा ही खेल वर्ड्स पे टिका हुआ है.
सारा ही खेल किस पे टिका हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का? वर्ड्स। यदि आपको वर्ड्स समझ में नहीं आएगा, वर्ड पढ़ना नहीं आएगा, तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। और यही कमी रहती है कि छोटी क्लासेस में ये चीज़ें डिटेल में नहीं बताई जाती, और जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी इंग्लिश वीक रह जाती है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ द वर्ड, पार्ट्स ऑफ द वर्ड। नंबर वन प्रेफिक्स, नंबर टू सफिक्स। प्रेफिक्स सफिक्स। नंबर थ्री क्या है? रूट, रूट वर्ड हम इसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और ये है प्रत्यय, और इसको बोलते हैं हिंदी में धातु। ये समझना ज़रूरी है। देखिए कोई भी वर्ड है, कई बार वो केवल रूट के फॉर्म में होता है, और कई बार किसी वर्ड में क्या है, प्रेफिक्स भी होता है, सफिक्स भी होता है। इसका जो एग्जांपल है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, उसको ध्यान से देखेंगे आप। और यही क्या है, करक्स ऑफ इंग्लिश है। यदि आपको वर्ड ही नहीं पढ़ना आता और आप वर्ड को प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते, तो फिर उस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद करने का और पढ़ने का, समझने का तरीका है। देखिए हमने बताया प्रेफिक्स सफिक्स, प्रेफिक्स सफिक्स और रूट वर्ड, रूट वर्ड। देखिए यहाँ पे हम रूट लेते हैं पॉर्ट, पॉर्ट। पॉर्ट मीन्स होता है टू मूव, टू मूव। टू मूव का मतलब आगे चलना। अब देखिए क्या है, पी ओ आर टी ए बी एल ई, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, सफिक्स, तो क्या बन गया, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, विच कैन बी मूव्ड, विच कैन बी मूव्ड। अब देखिए क्या है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट का मीनिंग क्या होता है, ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयात करना। एक्सपोर्ट क्या होता है, निर्यात करना। सेल गुड्स, सेल गुड्स टू अनदर कंट्रीज, यानी कि इम्पोर्ट आयात, एक्सपोर्ट निर्यात। अब आपने देखा क्या है, अब यदि हम इम्पोर्ट के बाद क्या लगा दें, इम्पोर्टेबल, क्या वर्ड बन गया आपका, इम्पोर्टेबल, जिसको आयात किया जाए। इसी तरह से क्या बन जाएगा, एक्सपोर्ट टेबल, एक्सपोर्टेबल, जिसको क्या है, बेचा जा सके, बाहर निर्यात किया जा सके। तो आपने देखा क्या है, अब देखिए ये इम्पोर्ट हैं, हम अटके इससे भी वर्ड बना सकते हैं इम्पोर्ट। और देखिए यहाँ पे हम सफिक्स रख दें, ए एन टी, ए एन टी सफिक्स रखने से क्या बन जाएगा, इम्पोर्टेंट। और प्रेफिक्स रखने से क्या बन जाएगा, यू एन एन इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। तो देखिए क्या है, जो वर्ड के कितने भाग हुए, प्रेफिक्स सफिक्स और रूट वर्ड। तो आपने वर्ड को जाना। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश कब तक नहीं आ सकती, जब तक आपको वर्ड ठीक ढंग से नहीं पढ़ना आएगा, जब तक आपको कोई वर्ड ठीक ढंग से पढ़ना नहीं आएगा। तो इसलिए ये आवश्यक होता है कि आप
किसी भी वर्ड को पढ़ने से पहले उसे ब्रेक कर लें, उसको तोड़ लीजिए। यदि आप उस वर्ड को तोड़ते हैं तो आप जानेंगे कि आप सक्षम हैं उस वर्ड को पढ़ने में और उसका उच्चारण ठीक ढंग से करने में। तो उसके लिए क्या है, सिलेबल। सिलेबल, सिलेबल को हम हिंदी में कह सकते हैं शब्दांश। क्या बोल सकते हैं, शब्दांश। देखिए क्या है, व्हेन टू और व्हेन टू और मोर लेटर्स ज्वाइन विद ईच अदर देन they produce a joint sound, per breath. This joint sound, per breath is called सिलेबल। देखिए दोबारा से पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए, वेन टू और मोर लेटर ज्वाइन विद ईच अदर देन दे प्रोड्यूस अ ज्वाइंट साउंड पर ब्रेथ। तो तब वो मिलकर क्या है, सांझी ध्वनि बनाते हैं और यही सांझी ध्वनि पर ब्रेथ क्या कहलाती है, सिलेबल कहलाती है। क्या कहलाती है, सिलेबल कहलाती है। देखिए क्या है, जब आप कोई भी वर्ड पढ़ते हैं, एक ये नेचर का दिया हुआ हमारा फोनम सिस्टम है जिसके द्वारा हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो हम पॉज लेते हैं, वो ठहरते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं लगता। एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका वर्ड है, आप दिन में 100 बार बोलते होंगे इसको। देखिए क्या है, सेंटेंस। जब आप इसको उच्चारण करेंगे तो आपकी टंग है जो 3 जगह रुकेगी, टन सेन टेन श सेंटेंस। तो आपकी यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक जो टंग है 3 जगह पहुँच दे रही है और ये जो ध्वनि बन रही है, देखिए कितनी साउंड बनी यहाँ पे, 3 सेन टेन स। तो ये क्या हो गया, आपके सिलेबल हैं। सिलेबल मीन्स 3 साउंड, यहाँ पर कितनी साउंड बनी, 3 साउंड। अब देखिए क्या है, एक वर्ड है यदि इस वर्ड को आप डायरेक्ट पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो गया, रा ना टिग रा ना, राना टिग राना। ये जूलॉजी का वर्ड है, फ्रॉग के लिए है, जो बड़ा मेंढक होता है उसको राना टिगराना बोलते हैं। तो देखिए आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। इसी तरह से मैं यहाँ पे आर्मी के 2 रैंक लेता हूँ, उनकी स्पेलिंग जो बच्चे अक्सर गलत करते हैं उसको देखते हैं, सीखते हैं। जैसे देखिए क्या है, लेफ्टिनेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लेफ्टिनेंट, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट। तो पहला जो सिलेबल है LIE, दूसरा है UTE, तीसरा है NANT। आप जीवन में कभी भी स्पेलिंग नहीं भूल पाएंगे यदि आप इस तरह से ब्रेक करके स्पेलिंग को याद करते हैं। लाई मीन्स क्या होता है, झूठ बोलना, UTE यूनियन टेरिटरी, और थर्ड पार्ट क्या है, नेंट, ले टी नेंट, गॉट इट। तो ये आपको साथ के साथ स्पेलिंग क्या है प्रिय विद्यार्थियों याद हो जाएगी, लेटिनेंट। और दूसरी स्पेलिंग है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कर्नल, क्या बोलते हैं, कर्नल। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसका, कॉलोनल। देखिए क्या, कितनी साउंड होगी इसमें, कितने सिलेबल हो गए, कोलोनल। यहाँ पे 3 साउंड हो गए, 3 सिलेबल हो गए। तो आई थिंक आप इसको अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं। तो कोई भी वर्ड है आपको इस ढंग से क्या है, याद करना है, कोलोनल। कोई भी स्पेलिंग है, आप देखिए क्या है, एक कॉमन स्पेलिंग है, कई बार यूज होती है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखिए उसको, एस ई
सेपरेट, सेपरेट। अक्सर बच्चे इस स्पेलिंग को गलती करते हैं, एक ही जगह क्या होता है ई, लेकिन सिलेबल के रूप में जब आप पढ़ेंगे इसको एस ई पी ए सेपा, फिर थर्ड क्या है रेट, रेट को क्या बोलते हैं दर, ठीक है, या कीमत सेपरेट, तो क्या वर्ड बना सेपरेट, क्या बना सेपरेट। तो आई थिंक आपको क्या है इस ढंग से सारे वर्ड पढ़ने चाहिए, और इस ढंग से आप पढ़ोगे तो जो भी वर्ड है उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप होगी और ब्रेन में उसकी मेमोरी क्या है फिड हो जाएगी। यदि आप उस किसी वर्ड को प्रोनाउंस सही नहीं कर सकते हैं तो उस वर्ड से आपकी मित्रता कैसे होगी और ना ही आप उसको याद कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग द वर्ड एंड रीडिंग द वर्ड। नेक्स्ट, सिलेबल के बाद है नेक्स्ट स्टेप फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में आप बोल सकते हैं वाक्यांश, क्या बोल सकते हैं वाक्यांश। देखिए क्या है, आपका भाई मार्केट में गया हुआ है और आपने उससे पूछा राजू कहां पर हो आप, राजू ने रिप्लाई किया बाजार में, क्या बोला उसने इन द मार्केट, सिंपली क्या उसने बोला इन दी मार्केट, और उस इन दी मार्केट कहने से क्या है काम चल गया। तो देखिए क्या है फ्रेज कॉलन डैश फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस but not complete sense, sense तो बनती है लेकिन पूरी नहीं, आइडिया सा आपको क्या है मोटे भाव में समझ में आ जाता है। जैसे क्या है एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, वेयर इज योर डॉगी इन द कॉर्नर, वेयर इज राहुल ऑन द रूफ, वेयर इज अवर काऊ अंडर द ट्री। तो आप देखेंगे ये आपके क्या हैं फ्रेज है। तो फ्रेज दोबारा से बोलता हूँ मैं, देखिए समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस। फ्रेज क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो क्या करता है सेंस बनाता है लेकिन पूरी सेंस नहीं बनती। आपको आइडिया तो आ जाएगा क्या है, लेकिन देखिए क्या है अब इससे आगे क्या है हम सेंटेंस करते हैं, क्या करते हैं सेंटेंस। तो आपको क्लियर कट दोनों के बारे में क्या है अंतर पता चलेगा, सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है। फ्रेज के अंदर आपको एक हिंट मिलता है इन्फॉर्मेशन के बारे में, जबकि सेंटेंस में आपको कंप्लीट सूचना मिलती है। जैसे क्या है हमने कहा राजू कहाँ है, यदि हम ये कहें ही इज इन द स्कूल, वह स्कूल में है, ही इज इन द मार्केट, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से आपको अंतर पता होना चाहिए फ्रेज क्या है। फ्रेज को हम क्या बोलते हैं वाक्यांश, फ्रेज को क्या बोलते हैं वाक्यांश। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट जो स्टेप है सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड हैविंग इट्स ऑन
सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, राहुल इज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस। रोहित इज गोइंग टू स्कूल। थर्ड वन है, वी हैव won the match। फोर्थ वन है, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माय पर्स। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। देखिए क्या है, ये सिंपल सेंटेंस हैं, ये थोड़े क्या हैं डिफ़िकल्ट सेंटेंस हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपने जाना सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड हैविंग इट्स ऑन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। राहुल इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस। रोहित इज गोइंग टू स्कूल। रोहित इज गोइंग टू स्कूल। रोहित इज गोइंग टू स्कूल। दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई पर्स। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। तो आपने देखा कि आपने जाना कि सेंटेंस क्या है। अब सेंटेंस पढ़ के हमें क्या क्या चीज़ पता लगती है, ये समझना भी स्टूडेंट के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। यदि विद्यार्थी इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है तो उसका बेसिक कमज़ोर रह जाता है और वो भविष्य में कभी भी इंग्लिश को क्या है, सही ढंग से लर्न नहीं कर पाता। और देखिए क्या है, उसे कई बार क्या मौका ही नहीं मिलता बेसिक को पढ़ने का, और सीधा किससे स्टार्ट करते हैं, वो सेंटेंस नहीं पढ़ाया जाता, सीधा टेंसेस पे आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देखिए क्या है, हमने सेंटेंस पढ़ के तीन चीज़ें फाइंड आउट की। क्या क्या किया, देखिए किसके बारे में बात की, सब्जेक्ट के बारे में। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या है, प्रेडिकेट। तीन चीज़ें बात की हमने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ। सब्जेक्ट देखिए क्या है, जब भी हम बोलते हैं तो हम कहीं ना कहीं से बात शुरू करते हैं, तो ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जहाँ से हम अपना मुँह खोलते हैं बात शुरू करने के लिए, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी कुछ कहें, सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी कुछ कहें उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी का जो भाग होता है, बाकी के जो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, उन्हें हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट। देखिए क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट, सभी विद्यार्थी ध्यान से नोट कर लें, ये बड़े काम की चीज़ है। बहुत से विद्यार्थी पीजी कर जाते हैं, इंग्लिश से ग्रेजुएशन कर जाते हैं, उन्हें सब्जेक्ट का ही नहीं पता होता है। तो देखिए क्या है, व्हेनेवर वी स्पीक वी स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम सम पर्सन प्लेस एंड थिंग्स।
दीज पर्सन प्लेस एंड थिंग्स थिंग्स आर कॉल्ड सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, हमने लिखा था राहुल इज गोइंग टू स्कूल. कोई स्पीकर बिल्कुल चुप है, उसने मुंह खोला अपना, कहाँ से बात शुरू की, राहुल से. कहाँ से बात शुरू की, राहुल से. क्या कहा उसने, राहुल इज गोइंग टू स्कूल. तो राहुल क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट. जहाँ से भी बात शुरू करेंगे वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट. एंड वट एवर वी मे से अबाउट सब्जेक्ट, दैट थिंग इज ऑब्जेक्ट. और क्या कहा, कहाँ जा रहा है वो, स्कूल में. तो लिखिए ऑब्जेक्ट वट एवर वी मे से अबाउट सब्जेक्ट, वट एवर वी मे से अबाउट सब्जेक्ट, दैट थिंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में आगे चलकर कहते हैं, सेंटेंस के बारे में जो भी कुछ हमने बात कही आगे चल के, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आया होगा सब्जेक्ट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है. दोबारा से हिंदी में बता देता हूँ मैं. देखिए क्या है, जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं, हम कहीं ना कहीं से बात शुरू करते हैं, और जहाँ से भी बात शुरू करते हैं, तो ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा. क्या होगा, सब्जेक्ट. जैसे गिवन सेंटेंस में हमने क्या कहा, राहुल इज गोइंग टू स्कूल, स्पीकर ने कहाँ से बात शुरू की, राहुल से. तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या है, हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहते हैं. क्या कहा हमने, राहुल स्कूल जा रहा है, राहुल स्कूल में जा रहा है. तो क्या हुआ यहाँ पे, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है. देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट, वट एवर वी मे से अबाउट सब्जेक्ट, दैट थिंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. तो आई थिंक दोनों ही सिंपल टर्म थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. और ये क्या है, बेसिक हैं किसके लिए, सेंटेंसेस के लिए. तो ये बढ़िया ही क्या है, ज़रूरी है सेंटेंस को पढ़ने के लिए. अब हम थर्ड जो पार्ट है सेंटेंस का थर्ड जो पार्ट है उसको पढ़ते हैं. देखिए वो क्या है, प्रेडिकेट. थर्ड पार्ट है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट को हिंदी में हम कह सकते हैं विधेय. The part of a sentence except the subject is called predicate. देखिए क्या है, सेंटेंस का वो भाग जिसमें सब्जेक्ट ना शामिल हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट. देखिए प्रेडिकेट क्या हुआ, मैथमेटिक्स टर्म में मैं आपको समझा देता हूं. देखिए सेंटेंस माइनस सब्जेक्ट, सेंटेंस माइनस सब्जेक्ट, दैट इज हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में डिटर्मिनर्स प्लस में ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, देखिए वी हैव वॉन द मैच. तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, वी हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब. वॉन क्या है, मेन वर्ब. दी को हम कैसे यूज करेंगे, डिटर्मिनर्स के रूप में. मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है.
क्लियर हुआ कि नहीं? जब हम ये हटा दें इसमें से, बाकी का पार्ट क्या है आपका? विधेय है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। तो देखिए क्या है, आपके घर में जो मुखिया हैं, घर में से मुखिया को निकाल दें, बाकी का जो सामान बचेगा वो क्या है? सारा प्रेडिकेट। इसी तरह से कॉलेज और स्कूल में से प्रिंसिपल को निकाल दें, बाकी क्या बचा? प्रेडिकेट। तो दूसरे शब्दों में क्या है, देखिए जो बचा हुआ सामान है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि जो वर्क डूअर है वो अलग होता है वहाँ पे, ठीक है, होता ही नहीं। अब ट्रेन का एग्जांपल ले लीजिए, ट्रेन में से हम यदि इंजन को निकाल दें, बाकी क्या बचता है? प्रेडिकेट। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। देखिए क्या है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस का वो भाग जिसमें सब्जेक्ट शामिल नहीं होता। तो मैथमेटिक्स टर्म में मैंने इक्वेशन में बताया, सेंटेंस माइनस सब्जेक्ट, सेंटेंस में से क्या निकाल दें? सब्जेक्ट निकाल दें। क्या क्या बच गया? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डिटर्मिनर और ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल हमने इस सेंटेंस को लिया है, यहाँ से वी क्या कर दिया? हमने हटा दिया, बाकी का क्या बचा? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डिटर्मिनर्स और ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक सभी विद्यार्थियों को जो बेसिक फर्स्ट चैप्टर है वो समझ में आया होगा। आज हमने कहाँ तक पढ़ा? केवल सेंटेंस तक पढ़ा है। सेंटेंस से आगे हम क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको। तो आई थिंक सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेंड करें दूसरे लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।